हेलो दोस्तों, मैं विकास आज आपको इस वीडियो के द्वारा सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग अपने व्यूज या सब्सक्राइबर अपने YouTube चैनल पर या अपनी वीडियोस पे बढ़ा सकते हो। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक या टिप्स दूंगा जो कि आपके YouTube चैनल पर ही है, लेकिन आज तक किसी ने ये थिंक या सोचा नहीं है कि कैसे हम लोग अपने व्यूज, अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई ये ऐसा नहीं कहने वाला हूं कि आइएगा मेरे साथ जुड़िएगा, एक दो मिनट के अंतराल में ही आप 100 सब्सक्राइबर पा लीजिएगा। ये सब जो वीडियोस हैं, मैं पिछले एक महीने से सर्फिंग कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ यूट्यूब क्रिएटर्स, मैं ये कहूंगा कि जो टॉप टॉप के क्रिएटर्स हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि प्लीज मेरे साथ जुड़िएगा, मैं आपको एक दो मिनट में 100 सब्सक्राइबर ले जाइएगा, एक दो 10 मिनट में 1000 सब्सक्राइबर पाइएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, मैजिक नहीं होता है कि छड़ी घुमाई और इंप्लीमेंट हो गया। वो लोग अगर कर पा रहे हैं तो वो लोग क्यों कर पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत अच्छा अपने आप को वो यूट्यूब पर प्रमोट कर चुके हैं। उनके पास कई मिलियन, कई हजार, कई लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर वो किसी भी अपने चैनल पर या कोई भी पार्ट टाइम प्रोग्राम करके भी लाइव चैट पर ऑप्शंस देकर भी अपने सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके चैनल को वो इंक्रीज करा सकते हैं, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है? क्या आपका चैनल लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिट करेगा? क्या आपकी वीडियोस लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिट करेगी? दोस्तों, कभी नहीं करेगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये जो छोटे मोटे ये जो वे हैं या ये जो रॉन्ग वे हैं, आने वाले टाइम में यूट्यूब और भी ज्यादा सख्ताई दिखाएगा, आने वाले टाइम में यूट्यूब और भी ज्यादा बिग अपडेट करेगा। तो ये जो अभी वे हैं, जो ये यूट्यूबर्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो ट्रिक और टिप्स दे रहे हैं, ये धरी की धरी रह जाने वाली है। जेन्युइन वर्क ऑलवेज काम करेगा। आप अगर सही तरीके से अपने यूट्यूब वीडियोस को या चैनल को प्रमोट करोगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, तो ही आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिट कर पाओगे यूट्यूब पर और लंबी पारी खेल सकते हो। तो आइएगा दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग, और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं तरीका आपको समझाने वाला हूं, ये आपके YouTube चैनल के अंदर ही है। बस आपको की कह सकते हैं, या तो आपने कभी सोचा नहीं, या इसके बारे में जाना नहीं, या कभी जानने की कोशिश नहीं की, या किसी भी यूट्यूबर्स ने ये चीज बताने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों, मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूं जिसके थ्रू आप लोग इजीली अपने यूट्यूब के व्यूअर्स बढ़ा सकते हो और सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हो। और ये एक जेन्युइन वर्क है, अगर आप ये काम रेगुलरली करोगे तो आपके यूट्यूब चैनल की टीआरपी यानी कि प्रेजेंस बढ़ती रहेगी और यूट्यूब व्यूज भी बढ़ते रहेंगे। और बहुत सारे लोग, अगर आपके यूट्यूब का कंटेंट सही है, अगर आप सही जानकारी दे रहे हो, वीडियोस में जान है, वीडियोस की क्वालिटी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि आप मुझे 2000 रुपए दीजिएगा, 100 रुपए दीजिएगा, 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन कीजिएगा और 100 सब्सक्राइबर ले जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी हजारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है दोस्तों, लेकिन मैं आपको आज एक यूनिक और अच्छा तरीका बताने वाला हूं, जिस तरीके को यूज कर आप लोग रियली में अपने YouTube चैनल को बूस्ट कर सकते हो, अपने YouTube व्यूज बढ़ा सकते हो, अपने YouTube सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हो। ये मैंने लाइवली टेस्टेड करा हुआ एग्जांपल है। मैंने लास्ट एक महीने पहले ही अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है और आज मेरे पास एक अच्छा खासा व्यूज है, अच्छे खासा सब्सक्राइबर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 1 लाख हो गए हैं, 2 लाख हो गए हैं, 2000 हो गए हैं, 500 हो गए हैं, 600 हो गए हैं, लेकिन हाँ, जितना मुझे लगता था, जितना मैं तो इतना भी नहीं सोच रहा था, सच में मैं बताऊं, मैं इतना भी नहीं सोच रहा था कि इतना सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इतने व्यूज भी आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश की है, थोड़ा सा रिसर्च किया है, क्योंकि रिसर्च इसलिए भी किया है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं और एक यूएसए कंपनी से एफिलेटेड हूं और उसके लिए काम करता हूं। तो थोड़ा सा आप जान सकते हो कि पिछले 10 सालों से इस मार्केट में हूं, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है थोड़ा सा सर्च
ट्रम करना और थोड़ा सा एनालिसिस करना, थोड़ा सा इजीली जान लेना कि यूट्यूब की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती हैं या गूगल की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के द्वारा रियली में जानने की कोशिश करेंगे या रियली में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग अपने यूट्यूब के व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। तो आइए चलते हैं यूट्यूब पर। हाँ दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा चैनल है, ये चैनल मैंने एक महीने पहले ही स्टार्ट किया है, इस पर अभी फिलहाल 316 ही सब्सक्राइबर हैं। कोई नहीं, कस्टमाइजेशन में चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं और देख सकते हैं कुछ सब्सक्राइबर अप एंड डाउन हो रहा है, कुछ नहीं क्योंकि मैंने मेरा जो चैनल है वो इससे एफिलेटेड है। देख सकते हैं यहाँ पे 314 सब्सक्राइबर हैं अभी और ये पिछले 28 दिनों का रिपोर्ट कार्ड है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितना व्यूअर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आया है और कितना सब्सक्राइबर मैंने गेन किया है विदाउट शॉर्टकट यूज करे हुए या कोई भी ऐसी ट्रिक यूज करे हुए या किसी से ये जो वीडियोस पड़े हुए हैं आप देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारे, अगर सर्च करोगे तो इजीली वीडियोस मिल जाएंगे कि वो कैसे कैसे तरीके बता रहे हैं, या मैंने कोई भी शॉर्टकट तरीका यूज नहीं करा है, जेन्युइन तरीके से काम कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पर और इजीली बहुत अच्छा व्यूज और बहुत अच्छा सब्सक्राइबर गेन कर पा रहा हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं इसके एनालिटिकल पर जा रहा हूं, ये लाइव है आप लोग देख सकते हो यहां पर, ये पिछले 28 दिन की रिपोर्ट है और 28 दिन की क्या, मैं आपको लास्ट 7 डेज की रिपोर्ट दिखा देता हूं। 7 डेज में मैंने तकरीबन 1342 व्यूज अचीव करे हैं, वॉच आवर 16.3 है, 6 सब्सक्राइबर हैं। अभी पिछले 48 घंटे में मेरे पास 657 व्यूज मुझे मिल चुके हैं, लाइव आपके सामने हैं। और अगर मैं यही चीज 28 दिनों में देखूं, क्योंकि मैंने ये 28 दिन पहले ही स्टार्ट किया है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने 2548 व्यूज इन 28 दिनों में इजीली अचीव कर लिए हैं और तकरीबन 58 सब्सक्राइबर भी अचीव कर लिए हैं इजीली। तो दोस्तों मैं आपको आज वही तरीका बताने वाला हूं कि आप लोग ये कैसे कर सकते हो और मैं वहीं पर खड़ा हूं। लोग ये एनालिटिकल टूल देखते तो हैं लेकिन इस एनालिटिकल टूल के अंदर कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई है जहां पर आप लोग ये भी जान सकते हो कि कैसे आपने यूट्यूब पर व्यूअर्स बढ़ा सकते हो और कैसे सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, या मुझे किस टॉपिक पे अपने वीडियोस बनाने चाहिए, किस टॉपिक पर मुझे अपने वीडियोस क्रिएट करने चाहिए और किस टाइम पर क्या मेरे लिए, कौन सा मेरा लिए परफेक्ट टाइम है वीडियो पब्लिश करने का जिससे कि मैं ऑडियंस से कनेक्ट हो जाऊं और मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स मिले। तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन होता है लास्ट में रिसर्च, आप लोग रिसर्च टैब पर जैसे ही जाएंगे तो कुछ इस तरीके से यूट्यूब मुझे सर्चिंग की एक पावर देता है जहां पर आपके पास 3 टैब्स मिलेंगे सर्च अक्रॉस यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब के अंदर होने वाले सभी सर्च टर्म। सर्च टर्म का मतलब होता है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब होता है यानी कि जो हम टाइप करते हैं यानी कि यूट्यूब पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। योर व्यूअर रिसर्च, आपके व्यूअर्स क्या सर्च कर रहे हैं और आपकी वीडियो किस ट्रेंड में आ रही है, किस कीवर्ड से ट्रेंड में आ रही है, किस कीवर्ड से सर्चेबल बन रही है वो देख सकते हैं, या फिर आप कुछ कीवर्ड्स को सेव भी करके रख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों मैं इस पर फोकस करता हूं सर्च अक्रॉस यूट्यूब। जैसे सपोज करो आप बैठे हो और आपको सोचना पड़ रहा है कि आपको किस पर वीडियो बनाना चाहिए जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़े या व्यूअर्स बढ़े, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज इसी वीडियो के द्वारा। जैसे सपोज करो मोस्टली ट्रैफिक अगर मैं देखूं यूट्यूब पर पिछले एक साल से, या कह दो जियो जब से लॉन्च हुआ है तब से यूट्यूब पर बूम आ गया है, मैं ये कह सकता हूं। उससे पहले भी यूट्यूबर्स थे लेकिन जियो के आने के बाद पूरा का पूरा भारतवर्ष चेंज हो गया है क्योंकि इंटरनेट सुविधा बहुत इजी हो गई है, बहुत सस्ती हो गई है, तो हर लोग अपने यूट्यूब वीडियोज या ये सब कुछ बनाने लगे हैं, लोग इंगेज हो गए हैं, बहुत सारे लोग
सब्सक्राइब, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल अपने स्टार्ट कर दिए दोस्तों, मैंने भी इसी बिहाफ पर करा है। मैंने अपना टेक एंड टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और इजीली एक महीने के अंदर मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाया है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जैसे कि ये सर्च टर्म है कि हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर। सबके मन में, चाहे वो नया यूट्यूबर्स हो, चाहे वो पुराना यूट्यूबर्स हो, चाहे उसे 10 साल 20 साल 25 साल 100 साल, उसके माइंड में एक ही चीज खटकती रहती है कि मैं अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकता हूं। तो दोस्तों, आप अगर ये टर्म जाके सर्च करोगे तो यूट्यूब आपको खुद बताएगा कि आपको कौन सा टाइटल रखना चाहिए अपनी यूट्यूब की वीडियोज में, कौन सा टाइटल आपके लिए ठीक है, किस टाइटल को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। टाइटल कह सकते हैं या कीवर्ड्स भी मैं बोल सकता हूं इसको, क्योंकि कीवर्ड्स तो इतना बड़ा नहीं होता है। बेसिकली यूट्यूब के जो टाइटल्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो एसईओ वाले बंदे होंगे या डिजिटल वाले बंदे, वो तो इजीली समझ गए होंगे। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो जब भी हम ये यूट्यूब को पब्लिश करते हैं तो उसमें टाइटल टैग देना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उन्हीं कीवर्ड और उन्हीं टाइटल की बात कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये हाई है, यानी कि सबसे ज्यादा सर्च। सब्सक्राइबर को कैसे ढूंढें, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है। उसके बाद जो हाई वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम है और जो मीडियम है उन पे एवरेज रहता है सर्च हाई पर। इन कीवर्डों के थ्रू आप लोग इन कीवर्डों को अपने वीडियोस में, जब आप वीडियोस बना रहे हैं इस टॉपिक पर, अगर वीडियोस बना रहे हैं तो इन टॉपिकों को आप स्टोर करके अपने यूट्यूब वीडियोस में डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आप लोगों को ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली ट्रेंड में है। आप लोग देख सकते हैं ये एक लाइव है, मैं आपको यूट्यूब के स्टूडियो चैनल पर ही जाकर ये चीजें दिखा रहा हूं, कोई भी फेक नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, बस मैंने यहां पर सर्च किया है और आपके सामने ये लाइव है। आप देख सकते हैं इस पर हाई ट्रैफिक है, इस पे हाई है, इस पे मीडियम है, इस पे मीडियम है, इस पे मीडियम है। दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग यहां से अच्छा कीवर्ड अपनी YouTube टाइटल के लिए या YouTube कीवर्ड्स यहां से ढूंढ सकते हो। तो लो कीवर्ड्स मतलब ये जो अगर आप कीवर्ड्स चुनोगे तो इस पर ट्रैफिक नहीं रहने वाला है, यानी कि आपकी वीडियोस को इतने अच्छे व्यूज नहीं मिलेंगे, ना ही सर्चेस मिलेंगे, ना ही सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां से केवल उन्हीं क्वालिटी कीवर्ड्स को चुने जिन पर हाई ट्रैफिक है, यानी कि हाई वॉल्यूम सर्च है, हाई वॉल्यूम ट्रैफिक है। अगर हम उन कीवर्ड्स को अपने वीडियोस में यूज करेंगे तो दोस्तों आपका वीडियो ऑटोमेटिकली व्यूज ज्यादा पाएगा, और हो सकता है जब व्यूज पाएगा तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर आपको पसंद करेगा और बढ़ेगा, मतलब आपके चैनल को ऐड करेगा। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है तो दोस्तों, जो चीज आप समझाना चाह रहे हो वो अगर अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दूसरे बंदे को समझा पा रहे हो, यानी कि जो यूजर सर्च कर रहा है अगर वो आपके वीडियोस के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आपकी वीडियोस उसको अच्छी लगती है, तो वो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करने वाला है, यानी कि आपके साथ जुड़ने वाला है और आपके साथ रहने वाला है। क्योंकि आपका जो मेथड है, आपका जो प्लान है, आपने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है अपनी वीडियोस की क्वालिटी में, वो उसे पसंद आ गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स सर्च करने वाले हैं। और मैं यहां पर एक और कीवर्ड्स, अगर जिस YouTube चैनल के पास इनफ सब्सक्राइबर हैं उसको टेंशन होती है कि वो अपने YouTube पर व्यूअर्स कैसे बढ़ाए, YouTube वीडियोस पर व्यूअर्स कैसे बढ़ाए, तो दोस्तों यहां पर अगर हम ये सर्च करें तो यहां पर अगेन मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, हाईली कंप्लीटेड कीवर्ड मिल जाते हैं कि कौन सा कीवर्ड मुझे अपनी वीडियोस में यूज करना है और कौन सा नहीं करना है। और दोस्तों, यहीं पर चीजें खत्म नहीं होती हैं। जैसे कि आपने ये कीवर्ड्स चुन लिया है, अब मेरे पास वीडियोस है, आपने अपनी एक वीडियोस बना ली है इस टॉपिक पर कि हम लोग कैसे इंक्रीज करें व्यूज को, आपने कुछ भी अपने मेथड उस वीडियोस में शेयर करे हैं, यानी कि आपने बताने की कोशिश की है कि आप ये तरीके यूज करेंगे तो व्यूअर्स बढ़ा सकते हो, और आपने ये कीवर्ड पिक कर लिया है जो कि हाईली वॉल्यूम कीवर्ड है, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड्स है। अब आपके पास सबसे बड़ा जो टेंशन होती है कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस को किस टाइमिंग पर पब्लिश करूं जिससे कि मेरे पास
ज्यादा से ज्यादा सर्च वॉल्यूम आनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप जो हर कीवर्ड्स के बगल में जो ये तीन टैब यानी कि तीन बिंदियां देख रहे हो, आपको यहां पे क्लिक करना है और आपको या तो इसे सेव कर देना है, मैंने पहले ही कहा था आपको कीवर्ड सेव करके भी रख सकते हो अपने लिए, या फिर यहां से गो टू ट्रेंड्स। अब ये गूगल ट्रेंड्स क्या होता है, मैं गूगल ट्रेंड्स के बारे में आपको बता देता हूं। गूगल ट्रेंड्स एक ऐसी सर्विस है जो कि जो कीवर्ड्स गूगल पर, यूट्यूब पर यानी कि गूगल के किसी भी प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम में सर्च होता है वो गूगल ट्रेंड्स उसको हाइप करता है, यानी कि बताता रहता है कि ये इस दिन में इतने बजे इतनी तारीख को सबसे ज्यादा ट्रेंड में था, यानी कि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम था, लोगों ने सबसे ज्यादा इस टाइमिंग पे इस डेट को सबसे ज्यादा सर्च किया। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैं गूगल ट्रेंड्स पे जाता हूं और मैंने कीवर्ड्स आपके सामने चुना है हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब। मैं जैसे इस पे जाता हूं, ओ समथिंग रॉन्ग, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं और मैनेज, क्योंकि मेरा चैनल इस अकाउंट से एसोसिएट नहीं है तो ये दिक्कत इसीलिए आ रही है। मैं उसी से ऐड खोल लेता हूं, यहां पे मैंने खोल लिया है और अब मैं यहां पे ट्रेंड्स पे क्लिक कर रहा हूं। क्लिक कर रहा हूं, पास टेक आवर का कर लेते हैं या फिर 7 डेज का कर लेते हैं। एक्चुअल में दिक्कत ये आ रही है कि जो मेरा जो सब्सक्राइबर है, मैं अभी रुक जाएगा, मैं अभी साइन आउट कर देता हूं और यहां पर अपने जो मेरा यूट्यूब एसोसिएट है जिस जीमेल अकाउंट से उससे जोड़ देता हूं, जिससे कि इजीली मुझे गूगल ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने जोड़ दिया है, अब मैं यहां पर करंटली साइन इन है, मैं साइन इन कर रहा हूं फिर से और अब मैं यहां पे ट्रेंड्स पे जा रहा हूं। अब मेरा करेक्ट अकाउंट ओपन हो चुका है और मैं पास्ट आवर देख लेता हूं, इस कीवर्ड्स पे सर्च नहीं है, मैं दूसरा कीवर्ड कोई उठा लेता हूं जैसे कि सब्सक्राइबर्स देख लेते हैं और गूगल ट्रेंड पे जाने की कोशिश करते हैं। समथिंग रॉन्ग ट्राई, मैं यहां पे पहले इंडिया चुन लीजिएगा जो आपका कंट्री है, क्योंकि आप लोग इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड भी चुन सकते हैं। यहां पे आप लोग लास्ट 7 डेज चुन सकते हैं और कोई भी कैटेगरी जो भी जिस कैटेगरी से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना यूट्यूब सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो कीवर्ड्स है इस कीवर्ड्स पर सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम किस डेट पर और किस टाइमिंग पर रहती है। तो जो सबसे ज्यादा टाइमिंग सूट करता है यानी कि 10:30 बजे ये कीवर्ड सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है या 2 बजे रहता है या 3 बजे या 8 बजे, तो दोस्तों आप भी अपना वीडियो उसी टाइमिंग पर पब्लिश करें और फिर देखें आपके जो वीडियो है वो वायरल हो सकता है उस टाइमिंग पे, क्योंकि जो उस कीवर्ड से सबसे ज्यादा जो सर्च वॉल्यूम है उतने बजे ही है, तो आप उसी टाइमिंग पर अपना वीडियो को पब्लिश करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना व्यूज, अपना सब्सक्राइबर अपने YouTube चैनल पर इजीली बढ़ा सकते हो और ये सब चीजें जो है फ्री में है, ना ही पेड है। बहुत से लोग पेड वर्जन पे जाते हैं या बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो पेड वर्जन है, यानी कि आपसे पैसा लेते हैं और उसके बाद ये सर्विस देते हैं, लेकिन यूट्यूब ने ये आपके लिए फ्री में रख रखा है। आप यूट्यूब की मदद से, यानी कि यूट्यूब ने जब सर्चिंग वॉल्यूम दिया है, वीडियो दिया, तो उसने ये भी सर्विस दी है, आप इसका यूज करें ज्यादा से ज्यादा और इसका इसके आनंद उठाएं, यानी कि मजे उठाएं और सही चीजें करें, सही तरीके से करें। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस को
पब्लिश कर पाते हैं उसका सही टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वीडियो की क्वालिटी और सही टाइमिंग। अगर ये चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं आपके वीडियोस के साथ, तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका वीडियो वायरल होने वाला है और उसको सबसे ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के द्वारा पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और जब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।